पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी के संभल में प्रशासनिक ढिलाई के चलते एक सप्ताह के भीतर 3 मासूमों की जान चली गई, जिसके बावजूद अधिकारी खामोश बैठे हैं। आपको बता दें कि संभल के एक गांव में गहरे गड्ढे में 3 मासूम डूब गए, जिसमें से 2 को शकुशल जीवित निकाल लिया गया, जबकि 1 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया और कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। 3 बच्चों के डूबने का यह मामला संभल जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम आलमसराय का है, जहां गांव के 3 छोटे बच्चे खेलते वक्त पानी से भरे गड्ढे में डूब गए। बच्चों के डूबने की सूचना पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में ग्रामीण मदद को दौड़े और किसी तरह 2 बच्चों को जीवित निकाल लिया, जबकि 1 4 साल का मासूम पानी में डूबे रहने से हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले मासूम ने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वही सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। उधर ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में अवैध पटान हो रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। अधिकारियों से कहने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। फिलहाल पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मामले में गंभीर बताते हुए कार्रवाई की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि बीते सप्ताह भी लखासा थाना क्षेत्र के ग्राम सलारपुर में गहरे गड्ढे में डूबकर 2 किशोरियों की मौत हो गई थी, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं से अधिकारी सबक नहीं ले रहे। अब देखना यह होगा कि लगातार हो रही घटनाओं पर अधिकारी कब संज्ञान लेंगे। मामला यह है साहब, कुछ माफिया लोग उस तालाब को जो पाट रहे थे और हमारा पानी चंदूसी रोड तक नाले में जाता था, अब इन्होंने पूरे गांव का पानी जो बंद कर दिया। बंद करने के बाद में 11 गड्ढा खुदवा दिया जेपीसी से, 3 गड्ढे गहरे खुदवा दिए, पानी जो इसमें जाता था, अब बच्चा हमारा डूब के मर गया। 2 हमने बचा लिए, ये बच्चा वहाँ डूब के मर गया। आगे मुकम्मल लिखवाएंगे सर और पी एम करवाएंगे, बच्चे को इन पर सख्त कार्रवाई करवाएंगे और अपने गांव का पानी जो जो हम 3 महीने से कहते आ रहे थे वो हमारे नाला को काट रहो, बोले भराव डल जाए तो उसके बाद वो हम इसे जो नाले को खुलवा देंगे, आज तक नाला नहीं खुलता। अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, आज की घटना बताई जा रही है जिसमें 1 बच्चे की मृत्यु बताई जा रही है और SHO संभल से बात हुई है और क्योंकि अलविदा जुमा है अभी लोग उसकी तैयारियों में लगे हैं। इसके बाद हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और जांच करेंगे कि ये जो है दुखद घटना कैसे हुई। जांच कराने के बाद ही कुछ कहा जाना संभव होगा, क्योंकि अभी अभी की घटना है और इसकी जांच हम लोग करा करके फिर जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसी कार्रवाई करेंगे। और अगर ऐसा कोई इसमें दोषी पाया जाता है कि जिसकी लापरवाही की वजह से बच्ची की जान गई है, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी।